हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। तो गाइस, आज की वीडियो में ना दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो आप एडिटिंग देखने वाले हैं फोटो की। ये मेरी ओरिजिनल फोटो थी, इसको एडिट करके कुछ ऐसे बना दिया, तो ये एडिटिंग आप फोन के अंदर ही देखने वाले हैं। एंड दूसरी चीज़ जो हमारा चैलेंज नंबर 2 था फोटो का, ये वाली फोटो जो मैंने बनाई थी, इसके रिजल्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ना यही वाली जो मेरी स्वेटशर्ट है, ये मैंने गले में लटका ली थी। एंड फिर अपना फ़ोन यहाँ पर लगा कर मैंने ना साइड पे ट्राईपॉड के ऊपर ही, तो 5 सेकंड का टाइमर लगा के इस तरीके से मैंने फोटो क्लिक कर ली। तो इसके बाद जो एडिटिंग का पार्ट था, उसमें गाइस हमारे पास है 6 स्टेप्स। ये 5 का इशारा हो रहा है, मतलब 6 स्टेप्स जिसके अंदर हमारे पास है 6 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप था खुद की फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो वह मैंने इजिली नहीं, टाइम लगा था, इरेजर ऐप से रिमूव कर दी थी। इसके बाद था सेकंड स्टेप, जिसमें मैंने नई बैकग्राउंड शेयर पर क्लिक करके पिक्सआर्ट के अंदर लेकर गया, टूल्स पर जाकर यहां से फ्लिप, और फ्लिप को वर्टिकली फ्लिप कर दिया था फोटो को, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया था, क्योंकि वो नीचे है ना लाइन ही आ रही थी तो मुझे ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी लगी हुई, तो इसलिए मैंने उसको फ्लिप कर दिया था। आपको वजह भी पता नहीं चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ। तो इसके बाद आ गया हमारा थर्ड स्टेप, जिसके अंदर मैं गया ड्रॉ के अंदर, उसके बाद एड फोटो पर जाकर अपनी खुद की फोटो को लेकर आ गया एंड उसको लगा दिया। इसके बाद था हमारा फोर्थ स्टेप, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं ना, तो वो था शेडो क्रिएट करनी। तो वो थोड़ी सी मैंने अलग तरीके से क्रिएट करी थी। सबसे पहले ना नई लेयर्स बना ली, दो नई लेयर बनाकर अपनी वाली फोटो के एक को ऊपर रख दिया, एक नीचे, मतलब अपनी फोटो के एक ऊपर लेयर खाली, एक नीचे खाली, ठीक है जी। इसके बाद पहले नीचे वाली को सिलेक्ट करा, ब्रश पर जाकर ये सेटिंग्स करी मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हैं। एंड इससे मैंने ना शेडो क्रिएट कर दी यहां पर साइड पर, जो मेरे एरिया आ रहा था साइड के ऊपर। एंड इसके बाद जो ऊपर वाली खाली लेयर बनाई थी मैंने, उसको सेलेक्ट करा, इस बार फिर से ब्रश में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी ओपेसिटी वगैरह कम करके, एंड फिर उस ब्रश का यूज करा मैंने, ताकि मेरे खुद के ऊपर भी एक शेडो क्लियर आ जाए। यानी कि 2 शेडो क्रिएट करनी थी, एक मेरे पीछे एंड एक मेरे आगे। तो ये शेडो जितनी परफेक्ट बनेगी ना, एडिटिंग उतनी बढ़िया लगेगी, हमारी फोटो एडिटिंग उतनी बढ़िया लगेगी। इसके बाद मेरा फिफ्थ स्टेप, उसके अंदर मैंने गाइस एक PNG बनाई थी फोटोशॉप के अंदर, वो शेडोज वाली PNG थी, ब्लैक ब्लैक मैंने वो शेप्स लेकर बनाई थी, ब्लर करके उसको, तो वो लेकर आया था मैं। फिर ओपेसिटी वगैरह कम कर दी, ठीक है जी। 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैंने इस फोटो को कर दिया सेव, क्योंकि हमारा था 6th स्टेप जो था कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। तो उसके लिए मैं लाइटरूम ऐप के अंदर गया, उसके अंदर मैंने लाइटरूम की कुछ चीज़ें को यूज़ करा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं अगर आप यही वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, या आप इसको आराम से देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपकी मर्जी है। तो बहुत ही आसान से स्टेप से इसका मैंने यूज़ करके अपनी फ़ोटो को एडिट कर दिया था। सबसे यहाँ पर मेन मुझे लगा है वो कलर्स की एडजस्टमेंट थी, क्योंकि कलर्स हमारे बिल्कुल पहले ब्राइट थे, उसको मैंने थोड़ा सा डार्क टोन में किया, मतलब बाकी कलर सारे कम करके सिर्फ ऑरेंज येलोइश कलर ही नज़र आ रहा था, तो वो चीज़ बहुत मेन थी यहाँ पर। तो बस लाइटरूम में एडिटिंग करके हमारी फोटो इस तरीके से रेडी हो गई थी। आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी फोटोज़ भेजी हैं मुझे, बहुत सारी फोटोज़ मिली हैं इंस्टाग्राम पे। एंड गाइस, मैं चूज़ वही फोटोज़ करूँगा जो मैंने टाइम बताया था अपनी वीडियो में, इस सैटरडे तक, मतलब अब से 4 दिन पहले तक जो भी फोटोज़ आएंगी वो मैं चूज़ करूँगा। तो 4 डेज अगो जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे राज कुछ नया टैग होकर फोटोज़ मिली हैं, तो उनमें से मैं चूज़ करूँगा। एंड मुझे जीमेल पर भी कुछ लोगों ने भेजी, लेकिन मैंने इस बार मना किया था कि मुझे इंस्टाग्राम पर ही भेजें, तो वैसे इंस्टाग्राम वाले चेक कर रहा हूँ। तो गाइस, मैंने जो 28 फोटोज़ शॉर्टलिस्ट करी हैं वो साइड के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी 28 फोटोज़ जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी हैं, एंड इनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो थी ये 4 फोटोज़ जो आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4 फोटोज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं। एंड गाइस, इस फोटो में ना सबसे ज़रूरी चीज़ें 2 थी, वो थी एक तो शेडोज़ क्रिएट करना, परछाई, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो। कुछ लोगों की शेडो की वजह से ही फोटो रिजेक्ट हो गई, कलर्स बहुत अच्छे थे लेकिन शेडो नहीं अच्छी बन पाई,
मुझे पता आप लोगों को दिक्कत भी आई होगी शेडोज क्रिएट करने में, लेकिन यही तो चैलेंज था कि कुछ नया करने की प्रैक्टिस होगी आपकी, मतलब आपके इससे पहले प्रैक्टिस होगी। तो एक तो थी शेडोज क्रिएट करनी, दूसरी थी हाइलाइट्स कि हम जिस तरफ से हम, जैसे सपोज करिए मेरी इस तरफ खिड़की लगी है, वहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये सीन है कि यहाँ पर खिड़की है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो मेरे फेस के ऊपर भी ना इसी साइड से लाइट ज़्यादा आनी चाहिए, इस साइड से थोड़ा सा डार्क होना चाहिए एंड इस साइड से थोड़ी सी लाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड में लाइट को मैच करेंगे कि जैसे बैकग्राउंड में लाइट आ रही है उसी तरीके से हमारे ऊपर भी वैसी लाइट आए, वैसी डायरेक्शन से लाइट आए। तो ये चीज़ की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो बाकी इन चारों फोटोज में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लग रही है, ये ऊपर आप आए के बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर भी वोट कर सकते हैं, कॉमेंट्स में भी बता सकते हैं। ऐसे कोई चैलेंज वाली वीडियो नहीं थी, आपने मतलब ऐसे कोई सबमिट नहीं करना, आप अपनी मर्जी से जब चाहें इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। चैलेंज वाली वीडियो हम आगे करेंगे एंड ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।